एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दलित किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात से धर्मनगरी चित्रकूट शर्मसार हो गई है। घर में किशोरी को अगवा कर तीन लोगों ने रात भर बंधक बना उसके साथ गैंगरेप किया, उसे बेहोशी हालत में राम घाट पर फेंक दिया है, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का है, जहां परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उनकी 13 वर्षीय बेटी घर पर सो रही थी, तभी रात में कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया। उसे सुबह रामघाट में बेहोशी हालत में फेंक दिया। किशोरी को उसी हालत में जब राहगीरों ने देखा तो पुलिस को मौके पर बुलाकर एम्बुलेंस के माध्यम से किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां किशोरी की हालत देखकर परिजनों ने तीन लोगों पर अगवा कर उसके साथ बेरहमी से गैंग रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं किशोरी की हालत गंभीर है और एक सिवा नाम के आरोपी का नाम कबूला है। अपने साथ हुई आप बीती हालत खराब होने पर नहीं बता पाई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला कांस्टेबल के माध्यम से किशोरी का बयान लेना शुरू कर दिया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सदर विधायक अनिल प्रधान ने घटना की निंदा जताते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन को जल्द घटना का खुलासा करने का अल्टीमेट दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा का कहना है कि किशोरी के गायब होने की सूचना मिली थी, जो आज दिन में किशोरी को बरामद किया गया है। किशोरी के पूछताछ पर किशोरी ने एक युवक पर आरोप लगाया है, जो उसे राजापुर ले गया था और आज दिन में उसे रामघाट पर छोड़ गया है। मामले में पुलिस जांच की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। अभी पूछताछ में किशोरी ने गैंग रेप की बात नहीं बताई है, सिर्फ एक लड़के को ले जाने का आरोप लगाया है। चित्रकूट के लिए जो ये आज घटना घटित हुई, बहुत ही दुस्साहित घटना है और ऐसी घटना निश्चित रूप से समाज को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना होती है। एक बहुत बच्ची के साथ इस तरह उठा के ले जाना और ऐसा अनैतिक कार्य करके उसको सड़क में फेंक देना, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और प्रशासन से हमारी मांग है कि बच्ची का इलाज कराकर तत्काल जो हम मुकदमा पंजीकृत कराकर सुसंगत धारा में और आरोपियों की गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराया जाए और दोषियों को किसी प्रकार से भी बख्शा ना जाए। परिजनों ने क्या बताया आपसे, क्या आरोप लगाया है? मुझे बताया कि रात में जैसे उसकी माँ जो है जगी है, बच्ची नहीं थी वहाँ पर, वो सबने बिचाई में ढूंढा पूरा फिर रात में जो है ये रात में सवेरे जो ग्राम प्रधान जी उनके पास गई और उसके बाद जो जब थाने गए तो थाने में सूचना मिली कि एक बच्ची की जो है एक बच्ची मिली है कहीं पे उस तरह की हालत में जो है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने उसको अस्पताल में भर्ती भी कराया है। पीड़ित के साथ हैं और जिस तरह की भी मदद चाहेंगे हम लोग मदद करेंगे। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि 24 घंटे के अंदर तत्काल गिरफ्तारी करें और पीड़ित परिवार को ना दिला। सरकार तो कह रही है कि क्राइम कम है, जिस तरीके से घटनाएं बड़ी हो रही है, क्या लगता है कानून व्यवस्था? चित्रकूट के लिए बहुत ही घटना शर्मसार करने वाली घटना है और जनपद चित्रकूट में लगातार घटनाएं हो रही है। पुलिस चाहे कुछ भी कहे, जिले की पुलिस आलाकमान कुछ भी बोले, पर जो सच्चाई है लगातार घटनाएं घट रही हैं। चित्रकूट के आसपास ही तमाम सारे अवैध खनन चल रहे हैं, मोहरम चल रही, कहीं कुछ चला बालू का अवैध खनन चल रहा है। जो पुलिस महकमा है कहीं ना कहीं दिन में सोए हुआ, लगातार घटनाएं इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों या कहीं ना कहीं जो तमाम सारी घटनाएं जो ऐसी घट रही हैं जो पुलिस पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल निशान छोड़ रहे हैं।